एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, मणिपुर का घटना पूरा भारतवर्ष को हिला दिया है। भारत का हर कोई सिटीजन का मन में ऐसा एक भावना जागृत हो रहा है, ये देश को कैसे लोग चला रहे हैं, ये डबल इंजन का सरकार 79 डे यानी आज की तारीख में 80 डे तक चुपचाप क्यों बैठी थी? कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार ऐसे कम्युनल टेंशन मणिपुर में फैलाने के लिए? साथियों, मणिपुर ऐसा एक स्टेट है जहां शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन 31% है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 2% है, ओबीसी का रिजर्वेशन 17% है, इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों का रिजर्वेशन 10% है और जनरल का रिजर्वेशन 40% है। फिर भी इन लोगों का मन नहीं भरा आदिवासियों का बेनिफिट पाने के लिए। मितई संप्रदाय लोगों ने नजर डाल दी है कुकी संप्रदाय के ऊपर। कुकी संप्रदाय आदिवासी है, कुकी आदिवासी का ऊपर कब्जा करने के लिए जो 40% रिजर्वेशन पाने वाले मतई संप्रदाय का लोग उनका जमीन का ऊपर नजर गिरा। जब उनका जमीन का ऊपर नजर गिरा तो ये लोग साम दाम दंड भेद करके आदिवासियों का जमीन हड़पने के लिए कोशिश की। लेकिन आदिवासी कुकी ट्राइब इनका जमकर विरोध की। समय समय पर दिल्ली में आके कुकी महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं सुना। अंत में ये कोर्ट में गया, मणिपुर हाईकोर्ट का जस्टिस बीएम मुरलीधर, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? साथियों, ये कोलिजियम सिस्टम से आते हैं ये लोग। कोलिजियम सिस्टम में आने के कारण डाइवर्सिटी मेंटेनेंस नहीं होता है हमारा जुडिशियरी सिस्टम में। जब जुडिशियरी सिस्टम में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल, ये 5 कैटेगरी का लोग का रिप्रेजेंटेटिव होता तो डाइवर्सिटी मेंटेनेंस होता, फील्ड का असलियत जानकारी मिलता। एक बच्चा को घर से जानकारी मिलता है उनका सोसाइटी के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनका ताने बाने के बारे में, उनका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। लेकिन एमबी मुरलीधर साहब ने ऐसा एक वर्डिक्ट सुना दी जो वर्डिक्ट कानूनी ढांचा का खिलाफ है, यानी संविधान विरोधी है, जिनको भारत का सुप्रीम कोर्ट गलत वर्डिक्ट ठहराया है। एमबी मुरलीधरन साहब का, जस्टिस एमबी मुरलीधरन का रॉन्ग जजमेंट के कारण मतेई और कुकी संप्रदाय में विवाद छिड़ गया। वहां का सरकार भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मणिपुर का सीएम साहब चुप बैठे हैं। वहां का बैठे हुए शासन का लोग मतेई संप्रदाय का सपोर्ट में हो गए और कुकी संप्रदाय एलोन पड़ गए। फिर भी लड़ाई कंटिन्यू था, प्रोटेस्ट कंटिन्यू था। पुलिस का बंदूक छीनने लगे मतेई संप्रदाय का लोग। वहां का इंटरनेट बंद कर दिया गया, यानी मणिपुर भारत से कट गया। इसीलिए मणिपुर का खबर भारत को नहीं मिला, सोशल मीडिया को। गोदी मीडिया इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताता। घटना घटी 4 मई को, यानी 4 मई को मतेई संप्रदाय का लोगों ने कुकी महिला को, कुकी संप्रदाय का घर पर अटैक किए। 4 मई को
जो लड़की दोनों औरत को दिखाया जा रहा है वायरल मीडिया में, उनका परिवार का लोगों को मारे पीटे हत्या किए, उसके बाद दोनों लड़की को दोनों औरत को पुलिस का हाथ से इनको छीन के ले आए मते संप्रदाय का लोग, पुलिस कुछ कर नहीं पाया। एक बात एक तरफ बोले तो पुलिस ने छोंक दिया भीड़ के सामने, पुलिस सरेंडर कर दिया भीड़ के सामने, और दोनों बहनों को, दोनों बेटी को, दोनों मां को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो मते संप्रदाय का लोग, भीड़ उनको नंगा किए, उनका जिस्म पर खिलवाड़ किए, उनका प्राइवेट पार्ट पर खिलवाड़ किए, उनका स्तन पर छेड़छाड़ किए, ये सब लोग देख रहे थे, पुलिस मुखदर्शक बन गया। 4 जून को घटना होता है, 4 मई को घटना होता है, 21 जून को एफआईआर होता है, अरेस्ट नहीं होते हैं। जब ये वीडियो 1920 जुलाई में वायरल हुआ, तब जाके इन लोगों को अरेस्ट हुआ। यानी आप सोचिए मीडिया कितना ताकत है, लेकिन भारत का मीडिया गोदी मीडिया बन गया है, मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है, मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब सामने लाना, लेकिन भारत का मीडिया गोदी मीडिया बन गया है। आज बीजेपी को, आज बीजेपी बर्बाद होगा सिर्फ ही सिर्फ मीडिया के कारण, मीडिया का ड्यूटी नहीं निभाया मीडिया। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान एब्सोल्यूट पावर कोई भी एक संस्था का हाथ में नहीं दिया है, जुडिशियरी गलती करेगा तो लेजिस्लेचर उनको सुधारेगा, एग्जीक्यूटिव गलती करेगा तो जुडिशियरी उन्हें सुधारेगा। जुडिशियरी आजकल कानून बनाने के लिए काम कर रहा है, जुडिशियरी का काम होता है कानून को तर्जमा करना, लॉ बनाना नहीं। आज मणिपुर में एमबी मुरलीधर साहब ऐसे वर्डिक्ट नहीं देते, ये घटना नहीं घटता। वहां का सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है। 79 दिन तक कैसे हमारा सीएम, मणिपुर का सीएम चुपचाप बैठे, उनको तो रिजाइन दे देना चाहिए था। जो सरकार चला नहीं पाता उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता। 79 डे के बाद पीएम, भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चुप्पी तोड़ी, वो भी 150 लोगों को मरने के बाद, 7,000 लोग बेघर होने के बाद, 5,000 से ज्यादा घर आग में जलने के बाद, अनगिनत महिलाओं को रेप होने के बाद, जब ये मीडिया में आया तब भारत का प्राइम मिनिस्टर चुप्पी तोड़े। बीजेपी वाले ये सोचते थे मीडिया प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट में कुछ बोलेगा, लेकिन बहुत दिन के बाद द टेलीग्राफ, जो पंजाब का एडिशन, जो कलकत्ता का एडिशन है, वो हेडलाइन में छाप दिया पीएम मोदी जी का चुप्पी तोड़ना को और खेद प्रकट करना को घड़ियाली आंसू शब्द यूज करके फ्रंट पेज में छापा है। ये भारत में बीजेपी और आरएसएस खेमे में हलचल मच गया है। इतने दिन के बाद आज टेलीग्राम साहस किया है, सत्साहस किया है और फ्रंट पेज में 79 क्रोकोडाइल का फोटो छापा गया है। यानी मोदी जी का आंसू को क्रोकोडाइल टीयर, घड़ियालू आंसू बता रहा है द टेलीग्राफ। साथियों, आज भारतवर्ष में ना जाने कितने ट्राइबल लेडी को, कितने शेड्यूल कास्ट औरत को रेप करके मर्डर किया जाता है। ये क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है, हमारा देश में डाइवर्सिटी नहीं है, मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है, पर्टिकुलर कम्युनिटी मीडिया चलाता है, एक जाति विशेष कम्युनिटी मीडिया चलाता है,
इसीलिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी माइनॉरिटी के बारे में नहीं दिखा पाया। बहुजन समाज का पास बिजनेस नहीं है, इसीलिए आज भुखमरी की कदर पर आ चुका है बहुजन समाज। बहुजन समाज का पास आज एग्जीक्यूटिव नहीं है, इसीलिए आज हर मौके में पटकनी खाना पड़ रहा है बहुजन समाज को। डाइवर्सिटी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत का संविधान को चलाने वाले विशिष्ट कम्युनिटी है। जिस भारत का संविधान आज सही चलता, डाइवर्सिटी मेंटेनेंस होता, संख्या का हिसाब से अपॉइंटमेंट होता, बैकलॉग भरा जाता, एजुकेटिव में पॉपुलेशन हिसाब से शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का और माइनॉरिटी का जगह मिलता। आज ऐसे नौबत हमारा देश को भुगतना नहीं पड़ता। पर्टिकुलर कम्युनिटी का हाथ में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और प्रेस मीडिया होने के कारण डाइवर्सिटी मेंटेनेंस हो नहीं पा रहा है। आज अमेरिका में डाइवर्सिटी है, इसीलिए अमेरिका इतना तरक्की, इतना डेवलप हो रहा है। भारत में डाइवर्सिटी नहीं है। 3% पॉपुलेशन का पास देश का तमाम क्षमता है, ताकतवर पोस्ट इन लोगों का पास है, इसीलिए मणिपुर जला है। 79 डे तक जल रहा, आज भी जल रहा है। भारत का राष्ट्रपति ट्राइबल लेडी है, फिर भी वो अभी तक मुंह खोल नहीं पा रही है। चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर मिनिस्टर एक लेडी है, स्मृति ईरानी जी, अभी तक वो मुंह नहीं खुल रही है। भारत का जितना भी गोदी मीडिया 79 डे तक चुप्पी साधे, मोदी जी भी चुप्पी साधे, क्योंकि ये डाइवर्सिटी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है भारत में। भारत का संविधान यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में बतलाता है। भारत का संविधान ट्राइब वुमेन और जे एनी वुमेन ऑफ द इंडिया को स्पेशल प्रिविलेज देता है आर्टिकल 15 में। फिर भी कानून होते हुए भी नंगा करके घुमाना, उनका प्राइवेट पार्ट को नोचना, उनका स्तन को नोचना, उन्हें बेइज्जत करना, सरेआम ये सा स्थिति कोई भी सभ्य समाज चुपचाप बैठ के नहीं देखेगा। जब भारत का सुप्रीम कोर्ट 100 संज्ञान में लिया, तब भारत का प्राइम मिनिस्टर चुप्पी तोड़े। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहे, बोले सरकार को तुरंत कदम पदक्षेप लेना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इनका संज्ञान में लेगा और पदक्षेप लेगा, एक्शन में आएगा, तब जाके भारत का प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े, वो भी राजनीतिक लहजे में। हर कोई स्टेट में भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ राजस्थान के बारे में बताते हैं। राजस्थान में कांग्रेस का शासन है, राजस्थान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है। आप जहां भी जाइए, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को ही अत्याचार होता है। राजस्थान में हर आए दिन ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को अत्याचार होता है। झूठ नहीं बोले मोदी जी, पहली बार झूठ नहीं बोले। छत्तीसगढ़ में नंगा होके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बच्चों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का आए दिन अत्याचार होता है कांग्रेस का शासन। आप दोनों एक की कॉइन का दो पार्स है। दादा साहब कांसीराम कहा करते थे, एक सापनाथ और एक नागनाथ। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क ही नहीं है। दोनों पार्टी कभी भी बहुजन समाज का उत्थान के लिए काम नहीं किए। द टेलीग्राफ को मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, इतने दिन के बाद कम से कम हेडलाइन तो छापे। जिस देश का मीडिया वॉचडॉग नहीं होता है, वो देश का डेमोक्रेसी बर्बाद होता है। मीडिया का काम है सरकार को क्रिटिसाइज करना, लेकिन भारत का मीडिया गोदी मीडिया बन गया है। इसीलिए मोदी जी को पता नहीं चला भारत में क्या हो रहा है। जब मीडिया, एक दिन मीडिया सरकार को सही
गलत क्या है, सही क्या है दिखा देगा। भारत में संविधान सही से काम करेगा। कांग्रेस का शासन पीरियड में भी मीडिया ऐसा हुआ करता था, आज बीजेपी का शासन का पीरियड में भी मीडिया ऐसा हुआ करता था। सीएम जी को, खास करके मणिपुर का सीएम जी को कोई नैतिकता नहीं रहता है उस पद में बैठने के लिए। भारत का गृहमंत्री को भी रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहिए, उनका भी कोई नैतिकता नहीं रहता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर नहीं पाए हैं। भारत का प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डर कर उनका चुप्पी तोड़े हैं। हम हर कोई भारत का सिटीजन को कॉन्शियस होना चाहिए। हमारा संविधान हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बताता है, हमारा संविधान हमें इक्वालिटी बताता है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी है। शासन में बैठे हुए व्यक्ति जब उस पावर डिस्चार्ज करता है, उनका ड्यूटी डिस्चार्ज करता है, उनको इक्वालिटी मेंटेनेंस करना चाहिए। यह हमारा संविधान का मौलिक ढांचा है। आप लेजिस्लेचर में बैठिए या जुडिशियरी में बैठिए या एग्जीक्यूटिव में बैठिए या प्रेस मीडिया में बैठिए, इक्वालिटी मेंटेनेंस करना चाहिए। यह हमारा यूनिटी डाइवर्सिटी का खूबसूरती है। वैसे ही प्रेस मीडिया को अपना कर्तव्य सही से करना चाहिए। प्रेस मीडिया जातिवाद मानसिकता हो जाएगा, धर्मांध बन जाएगा, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आज भारत का डेमोक्रेसी खतरे में है, क्योंकि भारत का डेमोक्रेसी 15% लोगों का हाथ का खिलौना बन चुका है। भारत का सिस्टम टोटली पॉलिटिकलाइज हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वर्कलेस हो रहा है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री जी को 79 डे लगा चुप्पी तोड़ने के लिए। भारत का हर कोई सिटीजन ये रिस्पांसिबिलिटी लेना है। हम सब भारतीय हैं। हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए भारत के संविधान का हिसाब से हम लोग को चलना है। फ्रेटर्निटी को डेवलप करना है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को एस्टैब्लिश करना है। गवर्नमेंट को मजबूर कर देना है कि गवर्नमेंट संविधान का हिसाब से शासन और प्रशासन को सुदृढ़ करना चाहिए। जब गवर्नमेंट ये नहीं करता है, ऐसे ही होता है। देश को नफरत, जातिवाद, धार्मिक उन्मादना से झोंक देना देश के लिए हानिकारक है। देश आप ऐसे परिस्थिति में गुजर रहा है। सिटीजन को दो वक्त का रोटी खरीद के खाने के लिए पैसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, दूसरी तरफ कम्युनल टेंशन बढ़ रहा है। हर स्टेट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को एट्रोसिटी हो रहा है। इनको रोकना है तो सिर्फ ही सिर्फ बहुजन समाज इनको रोक सकता है। भारत का सिटीजन इनको रोकने की दमखम भरता है। और सबसे बड़ा बात है मीडिया। मीडिया सही से सही और गलत को गलत दिखा देगा, कोई भी सरकार का हिम्मत नहीं होगा ऐसे नफरती दंगा फैलाने वाले लोगों को तुरंत अरेस्ट करेगा और कानूनी प्रक्रिया से सजा मिलेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ भोजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ भोजन को हर घर में पहुंचाने के लिए आप लोगों का मदद बहुत जरूरी है।